से फरार आरोपी जयराम पिता बाबूलाल हरिजन, थाना बनखेड़ी के अरविंद कुमार, प्रभारी थाना साहब एवं आरक्षण शुक्ला शशिकांत, सैनिक याकूब ने मिलकर पकड़ा। संवाददाता ब्रजेश पटेल, बनखेड़ी, होशंगाबाद की रिपोर्ट। 8 साल से फरार आरोपी जयराम पिता बाबूलाल हरिजन, थाना बनखेड़ी के अरविंद कुमार, प्रभारी थाना साहब एवं आरक्षण शुक्ला शशिकांत, सैनिक याकूब ने मिलकर पकड़ा। संवाददाता ब्रजेश पटेल, बनखेड़ी, होशंगाबाद की रिपोर्ट। 8 साल। भारत माता की जय। राजपूत साहब इस्माइल और नारी लगा दो, एक दो नारी और लगाओ। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जो हमसे टकराएगा भूखा नहीं मर जाएगा। हमारे पत्रकार बंधुओं का जो विरोध किया है उनकी हम घोर निंदा करते हुए और हमने ये ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार के रेत माफियों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज हमने ये दिया है कि राधेश्याम जुलानिया जब किसानों की बेइज्जती करने को उतर चुके हैं तो इस प्रकार की सरकार की जो मंशाएं हैं हम उनकी भी घोर निंदा करते हैं और हमारा किसान समाज कभी भी इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। बताएंगे कि हमने ये किस योजना से इसका वो ज्ञापन दिया? आज हमने जो ज्ञापन दिया है इस ज्ञापन में एक तो आज का दिन बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है कि इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मां नर्मदा मैया की हम रक्षा करेंगे और अवैध उत्खनन से बचाएंगे और प्रदेश के ही दायित्ववान पद पर बैठे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष उनके ही भतीजे उनके द्वारा इस चोरी चपाटी का काम करके मां नर्मदा मैया का अपमान किया जा रहा है। और दूसरी बात ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसे दायित्ववान राजनीतिक जो कई पीढ़ियों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार के लोगों को उनके भतीजे को इतना भी तमीज नहीं है कि स्वतंत्र हमारी जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है और उसकी एक स्वतंत्र पारदर्शिता है, वो अपने हिसाब से लिख सकता है और ऐसे उनका विरोध करके स्वतंत्रता का अधिकार जिसका कायम रह सके। हाँ, कैमरामैन रामजी के साथ संवाददाता ब्रजेश पटेल, आज के बाद बनखेड़ी।